महादेव हर घर महादेव, नर्मदे हर साथियों। मित्रों, देख लीजिए कि आज मैं आप लोगों को पुनः कौन से स्थान पर लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, स्थान वही स्थान है जहाँ पर भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग की हम खोज करते हैं। जी हाँ, देख लीजिए कि किस प्रकार से माँ नर्मदा जी का जल बह रहा है। जी हाँ मित्रों, माँ नर्मदा जी का जल कलकल करता बहता है और देख लीजिए कि माँ नर्मदा जी के ही तट पर किस प्रकार से अनेकों कलर में कंकर दिख रहे हैं आप लोगों को। जी हाँ मित्रों, इस सभी कंकर भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग बनने योग्य तो नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नायाब कंकर हैं जिनको हम खोजेंगे, तराशेंगे और फिर उनको भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग का नाम देंगे। जी हाँ साथियों, साथ ही आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि वास्तविक में सच है और मेरी खुद के प्रैक्टिकल की भी है। जी हाँ मित्रों, देख लीजिए कि किस प्रकार से माँ नर्मदा जी का जल बह रहा है। यह जल किसी जड़ी बूटी या आयुर्वेद से कम नहीं है। जी हाँ मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है और इस जल का बहाव भी देख लीजिए कि कहीं प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियों से होकर निकलता है और कहीं जड़ी बूटियों का रस इसमें मिला हुआ होता है। जी हाँ साथियों, अगर आप लोगों को गैस की या पेट की कोई भी समस्या हो तो आप नियमित रूप से माँ नर्मदा जी का जल ग्रहण कीजिए। आप वास्तविक में मानोगे कि आपका पेट इतना साफ हो जाएगा और इतने स्वस्थ आप अपने आप को मानोगे जैसे किसी आयुर्वेद या किसी अच्छे डॉक्टर ने आपका इलाज किया हो। माँ नर्मदा जी के जल में इतनी शक्ति है, और शक्ति होगी क्यों नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए किस प्रकार से माँ नर्मदा जी का जल कैसी जड़ी बूटियों से होकर गुजर रहा है। जी हाँ साथियों, माँ नर्मदा जी कई क्षेत्रों में और कई भागों में बटी हुई है। कहीं पर मिट्टी है तो कहीं पर रेत है तो कहीं पर पत्थर है। जी हाँ, ऐसे स्थानों से गुजर कर जाती है माँ नर्मदा, और ऐसे पत्थरों पर कई प्रकार की उनमें आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियाँ मिली हुई होती है। जी हाँ साथियों, आप अगर इस समस्या से जूझ रहे हो तो प्लीज़ मेरे इस नुस्खे को आजमाएं और माँ नर्मदा जी का जल 2 से 4 रोज पीकर देखे अपने आप को आप स्वस्थ लगने लग जाओगे। हर हर नर्मदे, हर घर महादेव, नर्मदे हर।